बुक में ये साइज होनी चाहिए आपके चेक्स की, जिगजैग चेक्स की साइज देखिए बुक में कैसी होनी चाहिए। ये 3 लाइंस जिगजैग चेक्स के हुए, अभी 3 लाइंस फिर से मोती चेक्स लेने हैं। सबको समझ में आ रहे हैं ना ये चेक्स? ये चेक्स पहले हो चुके हैं, सिर्फ हम यहाँ पर अभी मिक्स चेक्स ले रहे हैं। इन डॉट को डार्क करना है यहाँ पर। सबको समझ में आए हैं ये चेक्स? यस मैम। यस मैम। चलिए सबने निकाल लिए, दो बॉक्स में निकाल लिए ये चेक्स। इन चेक्स का नाम क्या होगा? जिगजैग विथ मोती चेक। चलिए सबने निकाली, अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकालने हैं सबने। मैंने यहाँ पर बिग साइज में भी आपको चेक्स बताई हूँ और स्मॉल साइज में भी, बुक में कौन सी साइज होनी चाहिए वो भी बताई हूँ। ज्यादा बड़ी साइज में नहीं निकालने चेक। चलिए सबने अच्छे से निकाले। सुनैया जी माइक ऑफ कर दीजिए। गया क्या? देखो सुनैया जी माइक ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक बार बिग साइज में बता रही हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो देख सकते हैं। पहले तो हमें 3 लाइन जिगजैग चेक्स निकालने हैं, 3 लाइन बुक में ये साइज निकालनी है। यहाँ पर बिग साइज में बता रही हूँ। इसके बाद हमें 3 लाइंस मोती चेक्स निकालने हैं। मोती चेक्स को डार्क करना है। हेलो
भैया जी मैम माइक ऑफ रखिए, आपने माइक मुझे बंद रखिए। सॉरी मैम। इट्स ओके। समझ में आए ये चेक एग्जैक्ट विथ मोती चेक? सबको समझ में आए हैं? थैंक यू मैम। अभी आगे के चेक्स बता रही हूँ। एक बॉक्स बना लीजिए सबने फिर से। का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक सर, उधर में उस साइड। अभी यहाँ पर देखिए हमें लाइंस बनाने हैं। क्रॉस में लाइंस बना लीजिए सबने। स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैम जी, इसी साइज में निकालनी है क्या? छोटे साइज में निकालने हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एक बार दिखाएंगी? मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तब तक बॉक्स बना लीजिए। मैम मैम। यस मैम, जो ये आप मेहंदी बनवा रही हैं, ये हम लोग को कौन से भी लगानी पड़ेगी? जी हाँ, पहले पेंसिल वर्क बता रही हूँ मैं आपको। जी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। पहले जो वो कंप्लीट कर लीजिए। मैम पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। इधर रखो, पूछो। चलिए जल्दी से बना लीजिए। मैम हमने कौन सी साइड निकालनी है?
पहले जो वर्क बता रही हूँ क्लास वो कंटिन्यू कर लीजिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक बॉक्स बना लीजिए, चार पेज छोड़, पांच पेज छोड़िए। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। बना लिए सबने? अभी यहाँ पर हमें देखिए ये जो बॉक्स बने हैं ना अंदर, वहां पर हमें एक डॉट देना है साइड में। यहाँ पर देखिए मैं कैसे दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको बिग साइज में भी बता रही हूँ क्लास। देखिए बुक में ये साइज होनी चाहिए, अभी देखिए ये बॉक्स बने हैं ना, यहाँ पर हमें डॉट देना है। यहाँ पर बिग साइज में भी मैंने बताई हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? इसे डार्क करना है, पूरे बॉक्स में ऐसे ही फिल करना है, ठीक है? चलिए डॉट बना लीजिए, दो बॉक्स ऐसे बनाने हैं चेक्स के। इसका नाम है साइड डॉट चेक्स। चलिए सबने अच्छे से बना लीजिए, पूरे बॉक्स में ऐसे ही डॉट देने हैं, ठीक है? ओके मैम। अभी जो यहाँ पर सेंटर डॉट चेक्स मैंने बताया, सबने अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकालना है। यस मैम। सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स में जिस तरह लाइंस निकाले थे उसी तरह निकालिए इस बॉक्स में भी। स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ी होगी तो चलेंगे ना? नहीं छोटा ही करना, छोटे साइज में रखूं आगे तो छोटा नहीं है। एक ही बार मैंने तो उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस दिन के करने करती हूँ। स्टार्टिंग में छोटे निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोग सही नहीं कर बड़े बड़े होते।
निकाल लिए सबने? यस मैम। अभी देखिए यहाँ पर डॉट कैसे देने हैं। अरे क्या कहूँ, चारों तरफ डॉट देने हमें लाइन के, यहाँ पर बिग साइज में मैं बता रही हूँ, देखिए सबने एक बार। अभी देखिए यहाँ पर हमें चारों तरफ डॉट देने हैं, डार्क करना है इनको, ठीक है। बुक में ये साइज होनी चाहिए। चलिए निकालिए सबने। माइक ऑन कर दीजिए। इसी तरह पूरे बॉक्स में निकालने हैं। इस चेक का नाम है फ्लावर चेक। सबको समझ में आया है ना ये चेक? चलिए निकालिए सबने अच्छे से फिनिशिंग के साथ। क्रॉस में लाइन खींचनी है, बता रही हूँ मैं कैसे खींचनी है। इतना डिस्टेंस होना चाहिए लाइंस में। चलिए निकालिए, आई गॉक कर दीजिए। मैम दिख नहीं रहा है। बना लिए सबने? स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है किसी ने। अभी देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर हाफ सी निकालना है। कैसे निकाल रही हूँ मैं, देखिए जो बॉक्स बने हैं ना हमारे, उसमें चारों तरफ से हाफ सी निकालना है।
मैम वन मोर बता रही हूँ मैं क्लास पूरे बॉक्स में इसी तरीके से निकालना है सबको समझ में आया है ना कैसे निकालने हैं यस मैम चलिए निकालिए सबने मेरे साथ इतना होने के बाद क्या करना है यहाँ पर देखिए सबने यहाँ पर बीच में हमें डॉट देने हैं ये देखिए यहाँ पर मेरे चेक्स कंप्लीट हो गए हैं इनका नाम है झरो का चेक्स चलिए सबने अच्छे से निकालिए अभी थोड़ा बच्चे के साथ खेलना उसमें भी क्या मस्ती है खाली मोबाइल में टीवी में तू भी और एक पैच बना लीजिए बॉक्स बना लीजिए ऐसे ही सेम अभी यहां पर हमें क्या करना है स्ट्रेट में लाइंस लेने थ्री लाइंस स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है फिर थोड़ी सी गैप छोड़ कर और थ्री लाइंस लेने हैं ऐसे ही रिपीट करना है पूरे बॉक्स में अब इसके अपोजिट स्लिप में भी वैसे ही लेने हैं
बना लिए सबने? बना लीजिए जल्दी से। मैम हो गया, बना लिए क्या सबने क्लास? यस। चलिए अभी देखें यहाँ पर क्या करना है। झरों का चेक हमें इसमें रिपीट करने हैं। चलिए निकालिए सबने मेरे साथ। फिफ्थ नंबर जो डिजाइन निकाले हमने वही रिपीट करने हैं यहाँ पर। गुन्नू मैम थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना क्लियर मैम? यस मैम। बना लीजिए सबने। I'm done. अभी यहाँ पर क्या करना है देखिए, ये जो अंदर का बॉक्स है ना उसको हमें डार्क करना है। तीन तरीके के झरों का चेक्स रहते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर आपको बताई हूँ ये फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर बताने वाली इसमें ही, और थर्ड भी इसमें ही बताऊंगी। हमें दो लाइंस में अंदर डार्क करना और ये एक वैसे ही रखना है। चलिए करिए सबने। पेज पलट कर ना एक स्ट्रेट लाइन खींचना, उसके ऊपर फर्स्ट बोल सकती
मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बीच में डॉट देना है। और एक लाइन की चोट के ऊपर की फर्स्ट बंपर के निकालो तो कौन नीचे है इसी को नहीं और एक इस तरफ नहीं यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसका भी नाम झरोका चेक्स ही है। तीन तरीके के झरोका चेक्स मैंने आपको बताई हूँ। देखिए दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। आपको अगर डार्क करना है तो आप डार्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ओपन रखने हैं ये चेक तो ओपन भी रख सकते हैं। सबको समझ में आए ना ये चेक? यस मैम। ठीक है चलिए अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिए सब क्लास।